हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल मिशन सी प्रोफ। माय नेम इज अंकित शर्मा। आई विल बी टीचिंग यू चैप्टर 13 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, एज यू ऑल नो, वी स्टार्ट विद नोइंग अवर टॉपिक। पहले बेसिक्स पढ़ते हैं इस टॉपिक के, बेसिक्स होते हैं। तो देखो, मैग्नेट, आप सबको पता है कि मैग्नेट क्या होता है। आपने जनरली अपने घर में देखा होगा कि मैग्नेट्स होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज में, वैसे भी घर में मिल जाते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट जो स्ट्रेट मैग्नेट होता है वो मिल जाता है, ये आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। तो अब इसका इलेक्ट्रिक के ऊपर एप्लीकेशन या इन्फ्लुएंस क्या रहेगा, वो हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं इस चैप्टर में। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, हेंस क्रिएशन और स्टेट। देखो, उसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। जैसे सपोज कर लो, ये आपका एक मैग्नेट है, ये आपका कोई आयरन का ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट इसके पास रखा जाएगा तो ये इसको बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा, दूर होगा तो वीकली अट्रैक्ट करेगा। अगर मैं इसको और दूर रख दूँ तो और वीकली अट्रैक्ट करेगा, या फिर हो सकता है शायद ना भी करे। तो वो एरिया जहाँ पे मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करना बंद कर देता है, ठीक है, जहाँ तक अट्रैक्ट कर रहा है वो उसकी होती है मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ नहीं नहीं करता वो, वहां पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड खत्म आती है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसका, जो इसकी SI यूनिट होती है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, वो है ऑरस्टिड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की, मैग्नेटिक फील्ड की वैसे वेबर होती है, या टेस्ला भी होती है कहीं की जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैंने आपको बता दिया मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है वो भी पढ़ते हैं। तो क्या होता है कि ये जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट के अंदर से ना मैग्नेटिक लाइंस निकलती हैं। वो लाइंस क्या करती हैं, वो एक आपके यहाँ पे ना पैराबोलिक स्ट्रक्चर फॉर्म करती हैं। ठीक है, पैराबोलिक स्ट्रक्चर या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। ये जो सर्कल्स होती है ना, जहां जहां तक जाती है वहां वहां तक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, ये आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर दो मैग्नेटिक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। बट ऐसा कभी नहीं होता, हर मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो मैग्नीट्यूड होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे ये जो आगे फर्स्ट लाइन है, इसका मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड हाईएस्ट होगा, और ये जो सबसे पीछे है इसका मैग्नीट्यूड सबसे वीकेस्ट होगा। तो मतलब क्या है, ये सबसे वीकली अट्रैक्ट करेगी किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को, ये किसी भी आयरन ऑब्जेक्ट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगी। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं होता। जो क्लोज होगी उसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, जो दूर होगी उसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होगी। अब देखिए, अब जो बता रहा हूँ मैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उनका डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक। दो पोल्स होते हैं आपको पता है, मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। ठीक है, ये जो साउथ पोल की तरफ ये जा रही है लाइन, ठीक है, ये दिखा रही है कि साउथ से नॉर्थ की तरफ अंदर डायरेक्शन है मैग्नेटिक मैग्नेट के अंदर। ठीक है, मैग्नेट के बाहर इसका डायरेक्शन क्या होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। ठीक है, इस चीज याद रखना। अब आगे चलते हैं। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब देखिए, अगर एक कंडक्टर, इसके अंदर से हम करंट फ्लो करा रहे हैं, तो उस टाइम उसमें क्या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, होगी या नहीं होगी, कितनी होगी, ये सब हम अब पढ़ेंगे। देखिए, ये जनरल एक्सपेरिमेंट करके दिखा रखा है उन्होंने कि अगर मान लीजिए एक एक करंट कैरिंग कंडक्टर था, ठीक है, वायर था कोई, इसका सर्किट हमने कंप्लीट कर दिया, ये हमारा मैग्नेटिक कंपास है। कंपास आपने देखा होगा, सेलर्स यूज करते हैं ज्यादातर। तो जैसे ही हमने करंट का फ्लो स्टार्ट किया, ठीक है, करंट का फ्लो स्टार्ट किया हमने, तो करंट को जैसे हमने फ्लो कराया वैसे ही ये इसकी जो नीडल है वो मूव करने लगेगी, डिफ्लेक्ट करने लग जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जब वायर के अंदर करंट का फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसी फील्ड की वजह से तो उसके अंदर डिफ्लेक्शन आ रहा है। नहीं तो जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती ये डिफ्लेक्ट नहीं करता। ठीक है, एक और जो हमने इसके अंदर ऑब्जर्वेशन देखी वो ये देखी कि हमने अगर करंट के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया, ठीक है, पहले हमारा डायरेक्शन था पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमने अब करंट के डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दिया। ठीक है, तो करंट के डायरेक्शन को जैसे हमने ऑपोजिट किया,
वैसे ही जो इसका डिफ्लेक्शन था वो भी अपोजिट होगा। इसका मतलब क्या है कि करंट के अंदर एक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में आती है, ठीक है। वो हमें डायरेक्शन पकड़ना पड़ेगा, क्या डायरेक्शन होता है वो भी हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। देखिए ये लूप स्ट्रक्चर बना रहा है, कुछ नहीं इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी नहीं आपके लिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नेक्स्ट टॉपिक राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? राइट हैंड थंब रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसको आप अपने हाथ में होल्ड करते हो और उसके अपने जो फिंगर्स है उस सॉरी थंब है, फिंगर्स को आप उसके चारों तरफ रैप कर लो, और जो आपका अंगूठा है ना थंब, उसको जो भी आपका डायरेक्शन ऊपर नीचे बन रहा है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में कर लो, ठीक है। तो अगर आप करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को रखोगे ना, तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे बनेगी? वो बनेगी आपके फिंगर्स के डायरेक्शन में, मतलब कि ऐसे। अगर आपने आपका थंब नीचे है, तो अगर आपका थंब ऊपर होगा, ठीक है, थंब अगर ऊपर है मतलब करंट का डायरेक्शन ऊपर है, तो आपके फिंगर्स कुछ ऐसे करके होंगे, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है वो भी ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल क्या मतलब बताता है कि अगर कोई भी कंडक्टर करंट लेके जा रहा है, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या रहेगा। आगे चलते हैं। देखिए सर्कुलर लूप का बता रखा है कि सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। देखो कुछ नहीं है इसके अंदर भी, डायरेक्शन याद रखना, अंदर मैग्नेट के साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। ये देखिए हमेशा ना याद रखना, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, ये हर पॉइंट पे सर्कल जो फील्ड लाइन है सर्कल कंप्लीट करने की कोशिश करती है। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी वहां पे इनकी सर्कल कंप्लीट हो जाएगी, मतलब कि जो इनके कॉर्नर्स होते हैं वहां पे स्ट्रेंथ आपको सबसे ज्यादा मिलेगी, ऊपर जाते जाओगे कम होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपकी स्ट्रेंथ सेम रहेगी, फिर ऊपर जाओगे फिर बढ़ती जाएगी, ऐसे करके स्ट्रेंथ जो है वो चेंज होती जाएगी, ठीक है। जितना आप वायर से दूर जाओगे उतनी आपकी स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। आगे चलते हैं। देखिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सॉलिनोइड इसमें देखिए जो आपका टेक अवे है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। आपका टेक अवे यहाँ से ये यह है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी कंडक्टर था, ठीक है, इस कंडक्टर के ऊपर आपने वायर को रैप किया, ठीक है, तो आप जितने वायर को रैप करोगे मतलब जितने नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दोगे ना, उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगी। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये है, देखो हमने पढ़ा था कि हर वायर है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा हमने, एक वायर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, दो वायर दो करेंगे, मतलब जितनी बार हमने वायर को टर्न दिया, मतलब टर्न देने का मतलब क्या है कि उसके हमने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, आप उसको रोटेट कर रहे हो बार बार, ठीक है। जैसे आपने रोटेट किया तो मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट होगी। अब जहां रोटेट कर रहे हैं आप बोल रहे हो कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड सेम है यहाँ भी सेम है, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी, दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड आपकी डिफरेंट रहेगी, ठीक है। तो जितनी बार आप टर्न दोगे ना उतनी बार ही क्या होगा, आपके पास एक डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड ऐड करके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगी। तो जितनी ज्यादा टर्न्स उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, जितने कम टर्न्स उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अगर आप करंट की इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हो मतलब करंट को इंक्रीज कर रहे हो, तब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, क्योंकि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये दो तीन प्रॉपर्टीज हैं आपको जो याद रखने की जरूरत है। अब देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसा डिवाइस है हमारा जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं मैग्नेट को बनाने के लिए, ठीक है, या फिर हम मैग्नेट की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज कर लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट को। अब आगे चलते हैं। देखिए मैं आपको ये ना समझा के सीधे जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये समझाता हूँ, ठीक है। सपोज कर लीजिए कि आपका थंब है, ठीक है, ये किसी भी कंडक्टर के मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो जहां मूव कर रहा है ना जिस डायरेक्शन में, सपोज कर ले, चलो आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, सब समझोगे। ये आपका एग्जांपल है, ये देखिए ये आपका एक कंडक्टर है, ये जो ये एक कंडक्टर है, ये आपका मैग्नेट है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में आपका ये मूव कर रहा है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है इस वाले में, ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन है ये आपके थंब को बताएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो आपका करंट का डायरेक्शन है, ये देखिए आपका करंट का डायरेक्शन चल रहा है,
ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन कौन दिखाएगा आपका, ये आपकी दिखाएगी इंडेक्स फिंगर, ये देखिए देखिए करंट दिखाएगा आपका फील्ड, ठीक है, और जो आपकी मिडिल फिंगर है, सॉरी इंडेक्स फिंगर आपकी फील्ड दिखाएगी और आपकी जो मिडिल फिंगर है वो करंट का डायरेक्शन दिखाएगी। देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है कि आपकी जो तीनों फिंगर्स है ना आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब थंब के परपेंडिकुलर फील्ड होनी चाहिए, फील्ड के परपेंडिकुलर करंट होना चाहिए, ठीक है, मतलब अपने तीनों फिंगर को आप ऐसे स्ट्रेच करो कि आपकी ये इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर के परपेंडिकुलर हो और थंब आपका इंडेक्स फिंगर के परपेंडिकुलर हो, तो आप इजिली कभी भी कोई अगर मूविंग कंडक्टर है तो उसमें आप डायरेक्शन ऑफ फील्ड या फिर डायरेक्शन ऑफ करंट को इजीली निकाल सकते हो आपके पास अगर दो चीजों, ठीक है, अगर आपके पास मोशन है कंडक्टर का, फील्ड है तो आप करंट का डायरेक्शन निकाल सकते हो, और करंट और मोशन है तो फील्ड निकाल सकते हो और वाइस वर्सा, ऐसे करके आप आगे उसको चीज को देख सकते हो, ठीक है। इस तरह की ये जो केस होता है ना, इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस केस में जनरली ये जो आपका कंडक्टर था इसमें हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, कैसे मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हैं हम ना, जैसे मैंने आपको बताया था करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाएगी ना, तो हम ये जो उसका मैग्नेट का मोशन है, ठीक है, मैग्नेट को हमने यहीं पे रखा, ठीक है, हमने क्या किया कि जैसे ही मैग्नेट की स्ट्रेंथ में ये आएगा, जो आपका ये वायर है या कंडक्टर है ये भी जब मैग्नेट के पास आएगा तो स्ट्रेंथ इसकी बढ़ जाएगी, और जैसे ही हम करंट को ऑफ कर देंगे तो ये पीछे आ जाएगा, ठीक है, तो बार बार इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, जब बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी ना तो ये कुछ टाइम के लिए एक एक टेम्परेरी मैग्नेट का रूप ले लेगा, तो ठीक है, तो हम याद रखना करंट की हेल्प से हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे, मोशन से, ठीक है, किसके मोशन से, मैग्नेट के मोशन से। आगे चलते हैं, आप देखिए मेडिसिन के अंदर भी मैग्नेटिज्म यूज होता है आपका, जैसे आपका एमआरआई है, एमआरआई के अंदर भी मैग्नेटिज्म का यूज किया जाता है, ठीक है, मैग्नेट देखो हमारी बॉडी भी एक चार्ज, मतलब आप कह सकते हो कि चार्ज बॉडी होती है, ठीक है, इसके अंदर भी चार्ज प्रेजेंट होते हैं, तो चार्ज जहां पर है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को हम डिफरेंट फिनोमिनाज, मेडिकल फिनोमिनाज में यूज कर लेते हैं, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक मोटर है, इलेक्ट्रिक मोटर में देखो आपको क्या यूज करना है, इस कैसे चलती है आपके पेपर में कभी नहीं आने वाला, ठीक है, आप अगर एग्जाम की बात करो तो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि कैसे मोटर चलती है, मोटर की वर्किंग बताओ, बस थोड़ी बहुत आप जान लीजिए कि इसकी वर्किंग कैसे होती है, ये आपके मान लीजिए कि एक वायर था रेक्टेंगुलर शेप में, ये आपका नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, जैसे हमने करंट का फ्लो ऑन किया, ठीक है, तो आपको पता है जब करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, तो सपोज कर लीजिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो यहाँ पे बना नॉर्थ पोल और यहाँ बना साउथ पोल, ठीक है, तो ये नॉर्थ और नॉर्थ आपस में रिपेल करेंगे और इस नॉर्थ को ये वाला साउथ खींचेगा, तो ये जब साउथ खींचेगा तो ये जो आपका रेक्टेंगुलर वायर था ये नीचे की तरफ जाएगा और ये साउथ इस तरफ जाएगा, ठीक है, तो ये एक हाफ रोटेशन ले लेगा, जैसे हाफ रोटेशन लेगा ना हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे डिवाइस यूज करते हैं जो आपकी स्प्लिट रिंग होती है, स्प्लिट रिंग क्या काम क्या करती है, स्प्लिट रिंग का काम होता है डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक है, किसके डायरेक्शन को, करंट को, जैसे करंट का डायरेक्शन रिवर्स होगा इसके मैग्नेटिक पोल्स डिफरेंट हो जाएंगे, मतलब ये जो साउथ यहाँ गया था नॉर्थ बन के, सॉरी नॉर्थ के पास गया था, अब वहां जाके नॉर्थ बन जाएगा, तो जब ये नॉर्थ बन जाएगा तो इस नॉर्थ को फिर ये साउथ खींचेगा, ठीक है, तो ये फिर ऐसे करके एक पूरी चक्री हो जाएगी, तो बार बार ये जो आपका प्रोसेस है कंटिन्यू होता रहेगा और ऐसे करके आपकी मोटर आपको घूमती हुई दिखती है। इसके ऊपर प्रिंसिपल कौन सा लगता है, राइट हैंड थंब रूल, सॉरी लेफ्ट हैंड थंब रूल लगता है, वो याद रखना आप, वो आपके लिए जरूरी है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं आएगा आपके पास कि क्या होता है क्या नहीं होता, बिकॉज आप इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं दे रहे, इंजीनियरिंग का एग्जाम में ये चीजें पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है कि आप इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, पहले हमने क्या प्रोड्यूस किया था, हमने इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से सॉरी मोशन ऑफ कंडक्टर की हेल्प से मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, अब हम करंट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, पहले हमने मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस किया था करंट की हेल्प से, अब हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, हम करंट प्रोड्यूस करेंगे किसकी हेल्प से, मैग्नेटिज्म की हेल्प से, ठीक है, उल्टा पहले करंट से मैग्नेटिज्म, अब करंट से
अब सॉरी, पहले करंट से किया हमने मैग्नेटिज्म, अब मैग्नेटिज्म से हम करंट प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, देखो होता क्या है कि जैसे ही ना तुम ये मान लो बार मैग्नेट है, ये कोई कंडक्टर था, ठीक है, इस कंडक्टर को, इस मैग्नेट को तुम इसके पास लेके आओ। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जितने भी कंडक्टर होते हैं ना, उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होता होता है, कुछ ना कुछ चार्ज होगा, मिनिमल होगा, इतना होगा कि आपको फील नहीं होता, बट होता होता है। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरफेस से, एटमोसफेयर से वो चार्ज ले लेते हैं, या फिर आपके खुद की बॉडी से चार्ज ले लेते हैं, तो थोड़ा बहुत चार्ज रहता रहता है उसके अंदर। जैसे आप उसके पास मैग्नेट लेके जाओगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इसके आसपास यहाँ पर। जैसे आप दूर लेके जाओगे तो ये वीक हो जाएगी, ठीक है, अब वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ आ जाएगी, फिर आप आगे लेके जाओ तो स्ट्रांग हो जाएगी, फिर पीछे लेके तो वीक हो जाएगी। तो आप देखोगे बार बार कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है ना, ठीक है, बार बार मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से क्या होता है, करंट की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, इसी को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। इंडक्स इंडक्शन का मतलब क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट होता है, टेम्परेरी करंट जो प्रोड्यूस किया जाए, पहले था नहीं उसके पास पर हमने प्रोड्यूस करा है, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की हेल्प से इंड्यूस करंट को पैदा करना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। देखिए इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है वो रोल आपका राइट हैंड थंब रूल है। ठीक है, सेम फिर से वही चीज, इसके अंदर भी आपका जो थंब है वो हमेशा मूवमेंट ऑफ कंडक्टर दिखाएगा कि आपका कंडक्टर किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड और जो मिडिल फिंगर है वो करंट। तीनों केस में आपको ये याद रखना है कि आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तीनों चीज आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी तभी बात बनेगी। ठीक है, तो ऐसा करके आप डायरेक्शन निकाल सकते हो। देखिए जनरेटर से पहले हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम जनरेटर पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका, अ कंपास नीडल प्लेस नियर अ करंट कैरिंग वायर गेट्स रिफ्लेक्टेड। देखिए सही है, करेक्ट है, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि करंट कैरिंग कोई भी वायर होगा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी तो कंपास हिलेगा। ठीक है, स्टेटमेंट टू है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, तो स्टेटमेंट टू भी सही है क्योंकि किसी भी वायर जो भी करंट कैरी कर रहा है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ द स्पीड ऑफ द मूविंग मैग्नेट इन साइड अ कॉइल इंक्रीजेस, अगर हम किसी भी मूविंग मैग्नेट के अंदर, सॉरी हाँ, मूविंग मैग्नेट जो कॉइल के अंदर है उसकी उसको उसकी स्पीड को हम इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट कॉइल के अंदर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। देखो मैंने आपको ये बताया नहीं तो आप इसका आंसर नहीं कर पाओगे। जो हम अभी ईएमआई पढ़ रहे थे, ईएमआई में क्या था कि ये आपका कंडक्टर है, ये आपका मैग्नेट है। ठीक है, आप इसको क्लोज लेके गए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, पीछे लेके गए मैग्नेटिक फील्ड वीक हुई। ठीक है, तो देखो जितनी आप इसको फास्टली करोगे ना, जितना फास्ट मूव मतलब चेंज आएगा, ठीक है, जितनी फास्ट मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आएगा, मतलब फास्ट कब आएगा, जब आप जल्दी जल्दी इसको आगे पीछे करोगे, जल्दी जल्दी इसके अंदर मोशन या मूवमेंट करोगे तो उतनी तेज हाई, उतनी हाई मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बिकॉज चेंज बहुत जल्दी हो रहा है ना, टाइम कम लग रहा है, तो जितना कम टाइम लगेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इसमें आपका आंसर जो इलेक्ट्रिक करंट है क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मैग्नेट इज करेक्ट। ठीक है, द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज लार्जर देन दैट ऑफ साउथ पोल, तो ये गलत है क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट है, व्हेन अ पीस ऑफ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड, बाइसेक्टेड मतलब दो टुकड़ों में करा आपने परपेंडिकुलर, ठीक है, टू इट्स एक्सिस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल गेट सेपरेटेड। अब देखो क्या होता है, इन्होंने बोला कि अगर आप एक मैग्नेट को बीच से काट दो, ठीक है, तो जो इसका अगर मान लो पहले नॉर्थ था और ये साउथ था, ठीक है, तो टूटने के बाद इनके नॉर्थ पोल इधर आ जाएगा, साउथ पोल इधर आ जाएगा, तो गलत है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर आपने मैग्नेट को दो टुकड़े में कर दिया तो ये जो दो टुकड़े बचेंगे ना उसमें ये तो अभी भी नॉर्थ रहेगा, ये वाला पोल आपका साउथ हो जाएगा, मतलब ये जो बीच से जो कटा है ना ये इस साइड वाली साउथ साउथ हो जाएगी, और जो दूसरा मैग्नेट ये बन के आया मतलब इस साइड वाला मैग्नेट, उसमें ये वाली साइड नॉर्थ रहेगी और ये वाली साउथ ही रहेगी। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। थर्ड है, व्हेन अ पीस ऑफ बार मैग्नेट इज बाइसेक्टेड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस टू न्यू बार मैग्नेट आर फॉर्म, तो देखिए सही है, अगर हमने दो टुकड़े में इसको बांटा है तो दो नए बार मैग्नेट प्रोड्यूस हो जाएंगे। फोर्थ स्टेटमेंट है, द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट आर अनइक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन नेचर, तो देखिए जो पोल होते हैं बार मैग्नेट के वो ऑपोजिट इन नेचर तो होते हैं क्योंकि एक नॉर्थ की तरफ खिंचता है एक साउथ की तरफ, बट उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। ठीक
बोलता है क्वेश्चन में विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फ्लेमिंग्स रूल्स इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट रीड करते हैं अभी, सही गलत छोड़ देते हैं, बाकी पहले मैं गलत चीज़ को आउट पॉइंट आउट कर देता हूँ। फ्लेमिंग्स रूल हैज नथिंग टू डू विद मैग्नेटिक फील्ड, ये गलत है, मैग्नेटिक फील्ड्स को लेना देना नहीं है, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑप्शन नंबर सी, बोथ द लेफ्ट हैंड रूल एंड राइट हैंड रूल कैन बी यूज फॉर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ये भी रॉन्ग है, बता देता हूँ क्यों आपको। दो ऑप्शन बचते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो आपको क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मतलब कि पहले से करंट लेके जा रहा हो, ठीक है, पहले से करंट कैरी करके जा रहा हो और एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हो, तो जो उसका डायरेक्शन होगा उस कंडक्टर का वो लेफ्ट हैंड रूल बताएगा। ठीक है, राइट हैंड रूल कहता है कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल गिव्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, सेम स्टेटमेंट है, बस हमें बताना है कि राइट हैंड रूल बताता है लेफ्ट हैंड रूल बताता है। देखिए सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कौन से ईयर का है, ये क्वेश्चन है सीबीएफ 2020 का, इस साल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा है इस चैप्टर से, इस चैप्टर से आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि स्टैटिक स्टैटिक क्वेश्चन वन लाइनर आ जाए, ऐसा नहीं है, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बनेंगे, तो आपको आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ध्यान से पढ़िए चैप्टर को। ठीक है, लेफ्ट हैंड रूल क्या बताता है, मैं लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि कोई भी अगर इसमें देखो तीन फिंगर का बताया, ठीक है, जबकि सेकंड फिंगर है वो बताएगी क्या, डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब बताएगी मोशन और द फोर फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन, और मिडिल फिंगर बताएगी आपकी यहाँ पे करंट, ठीक है, इंडेक्स फिंगर फील्ड बताएगी और आपकी मिडिल फिंगर करंट बताएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या पता लगता है, सीधे सीधे ये पता लगता है कि जो ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये किसके लिए यूज किया करते हैं, हम ये यूज करते हैं हम करंट का डायरेक्शन सॉरी मोशन निकालने के लिए, किसी भी कंडक्टर का जो मोशन होगा वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं इसको, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को। राइट हैंड रूल किस लिए यूज करते हैं, राइट हैंड रूल यूज करते हैं हम इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है, जो करंट प्रोड्यूस किया हमने इंड्यूस किया है, ठीक है, उसको करंट उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं। याद रखिएगा राइट हैंड रूल में करंट प्रोड्यूस होता है, और यहाँ बात कर रहे हैं ऑलरेडी प्रोड्यूस करंट जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, ठीक है, तो ऑलरेडी प्रोड्यूस करंट हमारा लेफ्ट हैंड रूल में होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में होता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो फोर्स लगता है किसी भी कंडक्टर के ऊपर वो लेफ्ट हैंड रूल बताता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं आपके, एक टॉपिक होता है बचा आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर, वो कर लेते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है। देखिए इलेक्ट्रिक जनरेटर पे क्वेश्चन क्या आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसका इसकी प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, ये इंड्यूस्ड करंट के प्रिंसिपल पर चलता है, ठीक है, EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर चलता है, या फिर आप कह सकते हो राइट एंड थंब रूल भी लगता है इसमें, बाकी इसके अलावा आपसे नहीं पूछा जाएगा कुछ भी। और दूसरी चीज ये पूछ सकता है कि ये जो आपका जनरेटर होता है इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से बनता है उसके अंदर कौन सा करंट करंट प्रोड्यूस होता है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस होता है, एसी करंट। क्यों प्रोड्यूस होता है ऑल्टरनेटिंग, क्योंकि बार बार मोशन चेंज होता है, जब मोशन सॉरी जब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी तो करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी तो करंट कम प्रोड्यूस होगा, तो ऐसे करके आपका चलता रहेगा, करंट आपका ऊपर नीचे चलता रहेगा। ठीक है, अगर हमें एसी से डीसी करना होता है जनरेटर को, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्प्लिट रिंग टैंक को टाइप कम्यूटेटर यूज करने पड़ते हैं, जो क्या करते हैं, जो कि जो इसके ब्रशेज होते हैं, ब्रशेज मतलब आप एक तरह के स्विच मान लीजिए कि स्विच को हमेशा कॉन्टेक्ट में रखता है, ठीक है, जो भी इसकी मूविंग आर्म है मतलब रोटेटिंग आर्म है उससे हमेशा कांटेक्ट में रखता है, मतलब जबकि फील्ड है वो कांस्टेंट रखेगा, तो डायरेक्ट करंट की सप्लाई चलती रहेगी, करंट आपका ऊपर नीचे नहीं जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रो जनरेटर का कंसेप्ट था सारा। देखो हम अपने जनरेटर को डीसी जनरेटर कहते हैं क्योंकि वो यूनि डायरेक्शनल होता है, आपने कभी देखा नहीं होगा, मतलब ऐसा देखा नहीं होगा कि जनरेटर का जो टर्बाइन है वो पहले ऐसे घूम रहा हो बाद में फिर ऐसे घूम रहा हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है, उसको डीसी बनाया जाता है किससे, स्प्लिट रिंग टाइप कम्यूटेटर से, जो क्या करते हैं कि जो करंट का फ्लो है उसको कांस्टेंट कर देता है, मोशन को कांस्टेंट करता है, मोशन कांस्टेंट करने से आपका जो करंट प्रोड्यूसर है वो भी कांस्टेंट होता है, इससे आपका रोटेशन भी इस जनरेटर की वो कांस्टेंट रहती है। देखो डिफरेंस क्या होता है डायरेक्ट और एसी करंट में, कि डीसी डीसी करंट में जो आपका ऑल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको जो करंट है वो हमेशा एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है, सॉरी डीसी करंट में, डीसी करंट में डायरेक्ट करंट रहता है वो एक डायरेक्शन में रहेगा, जो ऑल्टरनेटिव करंट है वहां पे वो हर पीरियड के बाद अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, ये कुछ ऐसे करके बनाता है। अब देखिए इंडिया के अंदर
एसी करंट ज्यादा यूज होता है, वर्ल्ड के अंदर भी एसी करंट ज्यादा यूज होता है क्योंकि डीसी करंट के अंदर पावर का लॉस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में पावर का लॉस होता है, और वैसे भी मतलब डीसी करंट इतना सक्सेसफुल नहीं क्योंकि ये आपके पूरे घर को एक ही अमाउंट ऑफ सप्लाई प्रोवाइड कर रहा है, पर हमारे हर अप्लायंस को हर जगह को अलग अलग पावर सप्लाई चाहिए, इसलिए हम एसी करंट यूज करते हैं। कि एसी जो एसी करंट होता है ना वो अपना डायरेक्शन कब चेंज करता है, हर 1/100 सेकंड में चेंज करता है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है एसी एसी करंट की, 50 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है, तो ये भी चीज याद रखना। और एसी करंट ज्यादा बेनिफिशियल होता है डीसी से क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का लॉस कम होता है। देखिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट्स हैं, ये कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, इसके अंदर बस फ्यूज की बात है कि फ्यूज क्या करता है, एमसीबी क्या करती है, ठीक है, जब करंट तेज आता है तो फ्यूज ब्रेक हो जाता है, सर्किट मेल्ट हो, फ्यूज मेल्ट हो जाता है और हमारे जो अप्लायंस होते हैं वो जलने से बच जाते हैं। बाकी ये तीन वायर से याद रखना, जब कर आपके घर में रेड कलर का वायर होता है ये लाइव वायर होता है, ठीक है, ब्लैक न्यूट्रल होता है और ग्रीन अर्थ होता है। तो बस इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म होता है।